हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। तो बच्चों, ट्वेल्थ क्लास के फिजिक्स को लेकर के हम फिर सामने हैं और हम लोग जो टॉपिक जो चल रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या ये कहें कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो अभी तक हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में यही किया है, हम लोगों ने चार्जेस का नेचर, ओरिजिन और मैकेनिज्म ऑफ चार्जिंग देखा है। नाउ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, एज यू नो चार्जेस आर ऑफ ओनली टू काइंड्स, टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, अ कॉमन बॉडी इज न्यूट्रल इन नेचर, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बट इट हैज इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ओके, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने पहले जो बात किया था कि अगर हम ग्लास और सिल्क रब करते हैं तो ग्लास क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है या थ्रो करता है, क्योंकि फ्रिक्शन से जो एनर्जी हीट प्रोड्यूस होती है उससे सरफेस को छोड़ने के लिए एनर्जी मिल जाती है। और सिल्क भी रब करने पर, ग्लास से रब करने पर नेगेटिवली चार्ज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कुछ ले लेता है, ठीक है। हालांकि सिल्क के इलेक्ट्रॉन्स की भी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, लेकिन क्या होता है, पहले बताया कि ग्लास के रॉड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए जो सरफेस छोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तो बाइंडिंग एनर्जी बोल रहे थे, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कम है और कम ही एनर्जी की ज़रूरत है बाहर से। अगर उतनी एनर्जी मिल जाती है तो सरफेस से वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन सिल्क में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सरफेस छोड़कर बाहर आने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो जितना हम रब करते हैं उतने हीट से, उस टेम्परेचर से ग्लास के इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उतनी एनर्जी सिल्क के इलेक्ट्रॉन्स के लिए सफिशियंट नहीं होती सरफेस से बाहर आने के लिए। इसलिए होता क्या है, ग्लास से इलेक्ट्रॉन्स जल्दी आ जाते हैं, कम ही टेम्परेचर पर आ जाते हैं और वो सिल्क उसके कांटेक्ट में है तो उसी कांटेक्ट से वो सिल्क में चले जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है, ग्लास पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और सिल्क क्या है, निगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। लेकिन कोई नया चार्ज कहीं से नहीं आया, जितना ग्लास में चार्ज, जितना ग्लास से चार्ज बाहर आया है इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, उतना ही सिल्क को मिला है नेगेटिव और उतना ही क्या कह सकते हैं, ग्लास में पॉजिटिव डेवलप हो गया। तो टोटल क्या है, जितना ग्लास में पॉजिटिव डेवलप हुआ उतना ही नेगेटिव सिल्क में गया। अगर कोई चार्ज बाहर सराउंडिंग में नहीं डिस्पर्स हुआ, इधर उधर गया, तो क्या हुआ, वो सिल्क में ही चला गया पूरा निगेटिव, तो टोटल चार्ज क्या होगा, उतना ही रहा। पहले भी नेट चार्ज जीरो था, अब भी नेट चार्ज जीरो है, ठीक है। तो इन्हीं पर बेस्ड है आगे जो बेसिक प्रॉपर्टीज, उन्हीं पर बेस्ड हैं कि चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लिया गया और ये चार्ज क्या है, एडिटिव क्वांटिटी है। एडिटिव क्वांटिटी मीन्स किसी भी बॉडी में चार्ज क्या होता है, सिंपल अलजेब्रिक सम होता है सभी चार्जेस का, पॉजिटिव और नेगेटिव का, ठीक है। उसमें किसी कहीं पर भी किसी तरह से डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है कि नेगेटिव इधर चल रहा है पॉजिटिव उधर चल रहा है तो टोटल चार्ज कितना हुआ, दोनों चार्ज एक ओर चल रहे हैं तो कितना हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी के अंदर कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव हैं ये तय करेगा कि टोटल चार्ज बॉडी पर क्या है, ठीक। तो जो बेसिक प्रॉपर्टीज हम चार्जेस की पढ़ते हैं, दो प्रॉपर्टीज आर, थ्री बेसिक प्रॉपर्टीज। फर्स्ट थिंग एडिटिविटी, ओके एडिटिविटी। सेकंड थिंग, सेकंड प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन, ओके एडिटिविटी कंजर्वेशन। एंड थर्ड वन इज व्हाट, क्वांटाइजेशन, ओके। सो थोड़ा थोड़ा हम लोग सब डिस्कस तो तरह से किया ही है कि टोटल चार्ज सरफेस का, अब मटेरियल का
अगर न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अगर कोई बॉडी है तो टोटल चार्ज जीरो होता है, मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, दोनों का अमाउंट का सम क्या होगा, अल्जेब्रिक सम क्या होगा, जीरो होगा। सो रिलेटिविटी इज व्हाट इट कम्स फ्रॉम अवर टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज व्हाट अल्जेब्रिक सम ऑफ टू ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस। सो टोटल चार्ज, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी ओके इज अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ओके। सो इफ देर आर मेनी अमाउंट्स, देर आर मेनी स्मॉल अमाउंट्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज to a body, then what happens? Total charge Q is what? Q1 plus Q2 plus Q3 and so on Qn, and charges can be positive and negative only. So total charge will be sum of all charges, algebraic sum of all charges. Okay, conservation, again we have discussed this thing. Conservation So conservation is what total charge remains conserved, means you cannot create new charge or charge cannot be destroyed at all. So total charge is conserved, and even you can say whole charge of universe is zero because nature has created equal amount of positive and negative charge. Okay, as total charge Q is Q1 plus Q2 plus plus Qn, this is algebraic sum of all charges, and this whole thing is conserved. So total charge of what? Total charge of an isolated system, if transfer of charge, electric charge is not possible from the system and system is isolated from its surrounding, then टोटल चार्ज विल बी कंजर्व्ड, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड। एक सिस्टम से कोई चार्ज न बाहर जा सकता है न कहीं से आ सकता है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो टोटल चार्ज उसमें क्या रहेगा, हमेशा कंजर्व रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, भले इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाए लेकिन रहेगा अंदर ही। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेटल्स में क्या होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्री कहाँ से होते हैं, लेकिन टोटल मेटल का पीस क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन वहां से क्या होता है, एटम्स में से कुछ एटम्स हैं जो मेटेलिक एटम्स हैं, दे हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली, सो मेटल एटम्स दे लूज इलेक्ट्रॉन एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री एंड दे आर फ्री टू वांडर इनसाइड द मटेरियल। ओके, सो एट व्हाट टाइम विच एटम विल लूज इलेक्ट्रॉन, इट इज वेरी रैंडम। Any time an atom gets energy and loses electron. So in overall metal remains neutral, but atoms they keep losing electrons and they keep accepting electrons from the surrounding, from its environment. So total charge still remains zero, but internal movement or distribution of charges, it changes slightly, and again and again electrons come out of the atoms and they are absorbed by the atoms. Okay, so conservation means this thing is what, total charge of an isolated system okay remains conserved and
इंटरनल रीडिस्ट्रीब्यूशन। सो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इज पॉसिबल। ओके, सो इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, लेकिन अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो क्या होगा, टोटल चार्ज उसका उतना ही रहेगा जितना पहले था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन एंड क्वांटाइजेशन। यहां भी हम लोग बात कर रहे थे, सपोज पेंसिल बॉक्सेस। सो मेनी पेंसिल पैकेट्स आर टेकन एंड सडनली इफ वन पैकेट कंटेन्स 10 पेंसिल्स देन इफ यू विल पिक पेंसिल बॉक्सेस और पेंसिल पैकेट्स देन सडनली ईच टाइम यू विल पिक 10 पेंसिल नॉट 2 or 3 or 4। ओके, इफ दे आर पैक्ड प्रॉपरली एंड दे आर न्यू पेंसिल बॉक्सेस देन सडनली, सो दिस इज रिपीटेशन ऑफ 10 पेंसिल 10 पेंसिल 10 पेंसिल। ओके, सो दिस टाइप ऑफ चेंज इज वॉट क्वांटाइज्ड चेंज। ओके, सो क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन एंड दिस इज वॉट डिस्क्रीट चेंजेस डिस्क्रीट चेंजेस डिस्क्रीट चेंजेस मीन्स अगर किसी चीज में क्वांटिटी में चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं ना कि कंटिन्यूस चेंज हो रहा है। जैसे हम अगर किसी बड़े से कंटेनर में पानी भर रहे हैं तो कह सकते हैं उसका लेवल, हर लेवल लेवल की हर वैल्यू है ना, जो हाइट है वाटर लेवल की वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है, ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो कंटिन्यूस चेंज कह सकते हैं, उसको कंटिन्यूस चेंज कहते हैं। लेकिन डिस्क्रीट चेंज क्या है, या तो इतना है या तो इतना है या तो इतना है। जैसे हम पर्टिकुलर चेंज अभी इलेक्ट्रॉन से जो चेंज हो रहा है निकलने या आने से, जैसे क्या हो रहा है कि अगर किसी बॉडी से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ठीक, पहले क्या था ये बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी से अगर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस ई चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है ना, कभी भी 0.1e या 0.5e या 0.7e ऐसा कोई चार्ज नहीं होगा इस पर, क्योंकि जब भी जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन ही इस बॉडी से बाहर जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर अगला चार्ज कितना यहाँ हो सकता है, नेक्स्ट चार्ज होगा बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, यहाँ पर पहले 0 चार्ज था, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो इतना प्लस ई चार्ज हो गया। नेक्स्ट इसमें अगर बढ़ाना चाहें थोड़ा सा तो मिनिमम कितना चार्ज यहाँ का बढ़ा सकते हैं, सो वी हैव टू पुल आउट 1 इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, तो नेक्स्ट चार्ज इज 2e। सो यू कैन नॉट बिल्ड अप हियर 1.3e चार्ज और 1.1e चार्ज और 0.7e चार्ज, ओके, दीज चार्जेस आर नॉट पॉसिबल। सो यू विल फाइंड चार्ज ऑन एनी बॉडी इज आइदर 1e और 2e और 3e या 4e और वॉट एवर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। सो चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सो इन एनी बॉडी चार्ज चेंजेस इन द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सो ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, सो ई इज मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी और सिस्टम टू अदर।
टू द अदर. ओके, सो दिस इज मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज. सो चार्ज चेंजेस, सॉरी एन ई, सो क्यू इक्वल्स एन ई. सो चार्ज चेंजेस बाय द अमाउंट ई. ओके, सो एन इज वॉट चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एंड एन इज वॉट अ नेचुरल नंबर. ओके, नेचुरल नंबर मीन्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. सो दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ, दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ओके, सो दीज आर बेसिक प्रॉपर्टीज. एडिटिविटी, एडिटिविटी मीन्स टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज अलजेब्रिक सम ऑफ पॉजिटिव एंड ऑल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस. एंड कंजर्वेशन, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व. ओके, यू कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय एनी चार्ज, बस ट्रांसफर हो सकता है यहाँ से वहाँ चार्ज का. एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज वॉट चार्ज बिल्डिंग अप चार्जेस आर चार्ज ट्रांसफर ऑफ चार्ज कैन टेक प्लेस इन द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई. ओके, दिस इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज एनीवेयर. सो देयर इज नो फ्रैक्शन ऑफ ई एनीवेयर. सो दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. सो एंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज हाउ मच, दिस इज वेरी नोन वैल्यू, इक्वल्स 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. ओके, एंड इलेक्ट्रॉन हैज दिस मच नेगेटिव चार्ज एंड अ प्रोटॉन हैज दिस मच पॉजिटिव चार्ज. तो चार्ज ऑन प्रोटॉन इज +1.6 × 10⁻¹⁹ एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज −1.6 × 10⁻¹⁹. ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट चार्जिंग एंड चार्जेस, अमाउंट ऑफ चार्जेस, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस. नेक्स्ट टू इट वी विल सी कूलम्स लॉ, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस. ओके, सो इन कूलम्स लॉ द इंटरेक्शन, द नेचुरल लॉ ऑफ इंटरेक्शन विच इन्वॉल्व्स, वी हैव टू स्टडी दैट थिंग. ओके, सो नेक्स्ट टू इट लेट्स सी कूलम्स लॉ. So, after the name of Coulomb, the unit of charge is taken here, and even you can find out number of electrons in one Coulomb, means how much electrons constitute one Coulomb charge. So, one electronic charge, electron has −1.6 × 10⁻¹⁹ Coulomb charge. Okay, so how many electrons will form one Coulomb charge? So it is very simple, Q equals N E, and this is number of electrons which are given to a body to develop negative charge of one Coulomb. And if these electrons are taken out from the body, it gives positive charge. So you can give positive charge by drawing electrons. So N equals number of electrons is Q divided by E, and Q is 1 coulomb and E is 1.6 × 10⁻¹⁹. So coulomb and this coulomb cancel, so this is 10⁻¹⁹ upon 1.6, and again this becomes 10 × 10⁻¹⁸ upon 1.6, then differently it comes 6.25 × 10⁻¹⁹. So this many electrons give rise one Coulomb charge. If this number of electrons is drawn from a body,
द बॉडी हैज नाउ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम एंड इफ दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू अ बॉडी देन बॉडी हैज 1 कूलम नेगेटिव चार्ज. ओके सो नाउ कम्स टू द कूलम्स लॉ. Coulomb's law is what? This is a law involved in interaction of charges. So charges interact naturally and they attract or repel. Like charges repel each other, unlike charges attract each other. So this is governed by force acting between them is governed by Coulomb's law, or interaction of these charges gives rise law, or it is according to law which is known as Coulomb's law. So Coulomb's law. Okay, so this law is about two point charges. Point charges means a body having small size charge, whatever be the amount of charge, but size, physical size is smaller. So suppose there are two point charges, one is here and one is here. These are small bodies, so charge size is smaller. Point size means size is much smaller than separation between charges. Okay, so this is interaction between two point charges. Suppose these are two point charges, they are separated by distance r. Here one charge has amount, one body has charge in amount q1 and another body has q2 charge. So these charges, if they are like charges, certainly they will repel each other. If they are unlike charges, they will interact. But magnitude of force depends only on magnitude of charges, not their nature. Means agar k11 coulomb ke charge hai और 1 meter separation पर रख दिया, तो 1-1 कूलम के लाइक चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव 1 कूलम के हैं, 1 meter दूर रखे हुए हैं, तो भी उतना ही फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा. और ये 1 कूलम पॉजिटिव है, ये 1 कूलम नेगेटिव है, ठीक है, और 1 meter दूर रखा हुआ है, तो भी उनके बीच फोर्स वही होगा, लेकिन इस बार क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा. तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वही होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा. तो अट्रैक्शन में क्या होना है, अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव है, तो ये यही क्या हो जाएंगे, ये इधर और इधर ऐसे फोर्स लगेंगे, F12 एंड दिस इज F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. दिस इज कॉमन सिंबल यूज्ड. एंड इफ चार्जेस आर लाइक, सपोज बोथ आर पॉजिटिव, देन सर्टेनली forces are repulsive forces. Okay, let us recall the nature again. This is a electrostatic force is fundamental force. This is called electrostatic force. Static means charges at rest. So charges ruke hue hain, tab inke beech kya force lag raha hai, ye force F hai, 1 q1 charge, q2 charge, और F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, हियर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. अगेन दीज आर रिपल्सिव फोर्सेस. सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कितना फोर्स स्ट्रांग होगा, ये फोर्स चार्जेस के अमाउंट पर डिपेंड करेगा. साइन बस ये तय करेगा कि फोर्स अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा. दोनों नेगेटिव हैं तो रिपल्सिव, दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपल्सिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव, ठीक है. लेकिन क्या होना चाहिए, हमारा जो ये लॉ कूलम्स लॉ के लिए हम कंडीशन थोड़ी स्पेसिफिक कर देते हैं कि क्या होता है, जितना यहाँ पर जो साइज है वो इस गैप या सेपरेशन जो आर है उसी कंपेरिजन में साइज क्या है, बहुत छोटी है, ठीक है. सो आता है इस पर कि ये कूलम्स लॉ है क्या. वन थिंग, टू चार्जेस, टू वॉट चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस. ओके सो टू इलेक्ट्रिक चार्जेस
इलेक्ट्रिक चार्जेस इंटरैक्ट विद ईच अदर ओके बाय अप्लाइंग अ फोर्स ठीक है एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इफ चार्जेस आर एट रेस्ट सो हियर वी कैन मेंशन ओनली प्योरली कूलम्स लॉ इज फॉर चार्जेस एट रेस्ट सो टू इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्जेस इफ वी बिकम मोर प्रिसाइज देन सर्टेनली वी विल राइट पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट ओके सो कूलम्स लॉ इज फॉर दैट टू इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट इंटरैक्ट विद ईच अदर बाय अप्लाइंग ओके अ फोर्स कौन सा फोर्स उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओके सो व्हाट हैपेंस दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज व्हाट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई चार्ज और यू कैन से प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्जेस ठीक है सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्जेस ओके बिटवीन चार्जेस इज व्हाट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू what magnitude of each point charge ठीक है ऐसे करते हैं इवन इसको क्या बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ईच पॉइंट चार्ज या हम क्या बोलते हैं इसको प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ठीक है ऐसा मीन्स एफ दिस इज एफ इज व्हाट एफ इज मैग्नीट्यूड ऑफ F12 और मैग्नीट्यूड ऑफ F21 ठीक है तो ये क्या होगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंड ओके एंड magnitude of force is inversely proportional to square of separation between the point charges ठीक है तो अब ये क्या है ये सेपरेशन ठीक है ये एफ हम क्या लिख सकते हैं इसको अभी यहाँ पर थोड़ा हम साइड में लिख देते हैं मेरे पास स्पेस नहीं बचा सो एफ इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ओके, अगेन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस ऑल्सो. ओके, सो थर्ड थिंग मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड्स ओके नेचर ऑफ मटेरियल मीडियम, नेचर ऑफ मटेरियल मीडियम ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल मीडियम बिटवीन बिटवीन चार्जेस. ठीक है, तो ये उस पर डिपेंड करता है. तो मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखते हैं इस रिलेशन को. ठीक है, मैथमेटिकली इसको इस तरह लिखा जाता है कि ठीक है, यहां पर F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. फोर्सेस ऑलरेडी यू नो इट इज न्यूटन. सो दिस इज दिस कॉन्स्टेंट, दिस कॉन्स्टेंट कम्स फ्रॉम स्फेरिकल सिमेट्री एंड दिस एप्सिलॉन नॉट, दिस कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इफ चार्जेस आर केप्ट इन फ्री स्पेस. ओके, इफ पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस और इन वैक्यूम तब ये एप्सिलॉन, अदरवाइज यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम. ठीक है, तो हम वहां पर आ जाते हैं. ठीक, लेट्स राइट इट एप्सिलॉन ओनली एंड एप्सिलॉन इज व्हाट, सो दिस कांस्टेंट 1/4 pi epsilon naught ओके डिपेंड्स अपॉन medium upon medium okay and spherical symmetry trick of relation. okay, means स्फेरिकल सिमेट्री क्या है कि हम एक पॉइंट चार्ज है, इसके यहाँ पर कोई चार्ज रख ले या इसके यहाँ पर कोई चार्ज रख ले या दूसरा वाला चार्ज, एक चार्ज तो यहाँ है, दूसरा चार्ज जितना डिस्टेंस है r, r सेपरेशन पर यहाँ रख लें, चाहे यहाँ रख लें या यहाँ रख लें या यहाँ रख लें या यहाँ रख लें या यहाँ रख लें यहाँ नीचे, इस पॉइंट चार्ज से दूसरा चार्ज डिस्टेंस तो वही हो लेकिन कहीं पर रखें फोर्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा फोर्स का, वही होगा. तो ऐसे में जब हर ओर इस पूरे स्फेरिकल रीजन में कहीं पर जाने पर उतनी ही सेपरेशन पर वही फोर्स होता है मैग्नीट्यूड में, तो उसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल सिमेट्री ऑफ सराउंडिंग. ओके, तो ये स्फेरिकल सिमेट्री क्या है, उसी पर है, 1/4 pi वहीं से आता है. तो ठीक, तो नेचुरली के यहां पर क्या हुआ, जो एप्साइलन है, एप्साइलन, दिस इज एप्साइलन, एप्साइलन इज व्हाट, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, परमिटिविटी. अगर कोई मीडियम है तो उसकी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है. नाम परमिटिविटी क्या है, परमिशन से कुछ मिलता जुलता वर्ड है, तो परमिटिविटी कितना परमिटिविटी है मीडियम की. ठीक,
ठीक है, इंटरेक्शन के लिए या परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा कितना स्ट्रांगली इंटरेक्ट करेंगे। उसी सेपरेशन पर रखने पर ये चार्जेस ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स लगाएंगे आपस में या कम फोर्स लगाएंगे, तो इन पर डिपेंड करता है। तो ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक है। अगर ये चार्जेस फ्री स्पेस में है, ठीक है ना, इफ चार्जेस आर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस, ठीक है, तो अगर फ्री स्पेस में चार्जेस हैं तो ये क्या होगा, जो परमिटिविटी है, जो एप्सिलॉन है, उसको क्या हम उसको क्या डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तब ये कांस्टेंट क्या हो जाता है, तब ये, ठीक है, देन कांस्टेंट इज 1/4 epsilon naught, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/4 epsilon naught, ये वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 9 × 10⁻¹⁹, -9 नहीं +9, ठीक है। तो 9 × 10⁻¹⁹, और क्या होगी यूनिट इसकी, आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, इस हो पूरे कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाए, यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन इंटू एफ आर कम्स हियर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर एंड अपॉन कूलम स्क्वायर। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर, दिस विल बी यूनिट, यूनिट ऑफ दिस कांस्टेंट। एंड 4π हैज नो यूनिट, ओके, नो डायमेंशन। सो व्हाट आर द यूनिट ऑफ दिस होल कांस्टेंट, 1/ε₀ विल हैव सेम कांस्टेंट, सेम यूनिट, सॉरी, एन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, 1/ε₀। सो ε₀ इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इट्स वैल्यू इज हाउ मच, इट्स वैल्यू इज 8.854 × 10⁻²-12, ओके। एंड यूनिट इज वॉट, सी इफ एप्सिलॉन नॉट कम्स हियर, एफ विल कम हियर, देन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स q1 q2 upon 1 upon 4 pi f r square, so take it here, epsilon here and f here, so coulomb square upon newton meter square, okay, so coulomb square upon newton meter square, this will be unit of electric permittivity of free space. So this will decide medium will decide the value of epsilon, okay, electric permittivity. So free space की यानी vacuum की electric permittivity इतनी होती है, electric permittivity of free space, लेकिन medium की electric permittivity क्या होती है, higher होती है किसी medium की, ठीक है। तो ये जो किसी medium का electric permittivity अगर हमको find out करना होता है, उसको हम बोलते हैं relative permittivity, ठीक है। So relative permittivity is what, let us write here, relative permittivity of what, of medium, ठीक है, ठीक है। रेफरेंस के बारे में हमेशा ध्यान रखा करिए कि जब कभी भी हम नाम लेते हैं तो केवल रिलेटिव परमिटिविटी कह दिया तो इतने चीज को नहीं याद रखना चाहिए, किसके बारे में बात हो रही है, रिलेटिव परमिटिविटी किसकी है ना, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, बस तो एप्सिलॉन नॉट नहीं याद रखना चाहिए, क्या वैल्यू नहीं याद रखनी चाहिए, बल्कि एप्सिलॉन नॉट है क्या, ये रिलेटिव, ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, अगर इतना भी याद रखते हैं तो भी पूरा नहीं है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी या
फ्री स्पेस वो कितना है 8.5854 इंटू 10^-12। ठीक है, अक्सर लोग क्या करते हैं, ऐसा याद रखते हैं, आधा आधा याद रखते हैं, कैसे रिलेटिव परमिटिविटी बोल दिया तो रिलेटिव परमिटिविटी याद रखेंगे कि हाँ ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी या परमिटिविटी डिवाइडेड बाई परमिटिविटी या फ्री स्पेस। ठीक है, तो ऐसे नहीं याद रखना है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है। ठीक है, इक्वल्स इसको हम एप्सिलॉन आर बोलते हैं, लिखते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन आर, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। ओके, सो एप्सिलॉन आर इक्वल्स परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम इज एप्सिलॉन, इट्स परमिटिविटी इज एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट। ओके, एंड दिस रिलेटिव परमिटिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस रिलेटिव परमिटिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मीडियम। ओके, सो रिलेटिव परमिटिविटी, दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन, इट इज आस्क्ड फ्रिक्वेंटली इन एग्जाम्स। ओके, सो रिलेटिव परमिटिविटी, सो रिलेटिव परमिटिविटी is also called dielectric constant of medium. Okay, dielectric constant of the medium. Okay, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का जितना ज़्यादा होगा, समझ सकते हैं, यानी ये क्या है, एप्सिलॉन देखिए कंपेयर करिए, इसका इफेक्ट क्या होगा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ज़्यादा या कम होने का इफेक्ट क्या होगा। अगेन एप्सिलॉन इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, अभी अगेन फोर्स का फार्मूला अगर लिखते हैं तो 4πε Q1 Q2 / r² तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं, किसी मीडियम में अगर चार्जेस को मीडियम में रखे हुए हैं, दोनों पॉइंट चार्जेस को मीडियम में रखे हुए हैं कहीं पर, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। सो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ओके, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एंड Q1 Q2 / r² तो आप समझ सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी अगर हाइयर होगी तो दो पॉइंट चार्जेस के बीच किसकी रिलेटिव परमिटिविटी हाइयर होगी, मीडियम की, जिस मीडियम में चार्जेस रखे हुए हैं। तो ये दो अगर चार्जेस, पॉइंट चार्जेस थे यहाँ पर, ये किसी मीडियम में डूबे हुए हैं, यहाँ पानी है चारों ओर भरा हुआ, यहाँ पर रखे हुए हैं, ये हवा में रखे हुए हैं या वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो फोर्स क्या है, और ये अगर किसी मीडियम में रखे हुए हैं तो फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हाइयर है किसी मीडियम के लिए, तो उन्हीं चार्जेस को उसी सेपरेशन के साथ मीडियम में रख दें तो क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, फोर्स कम हो जाएगा, तो आर की वैल्यू अगर, सॉरी एप्सिलॉन आर की वैल्यू है रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको क्या बोल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाइयर है तो उस मीडियम में दो पॉइंट चार्जेस के बीच फोर्स क्या हो जाता है, कम होता है। उन्हीं चार्जेस को उन्हीं सेपरेशन के साथ बाहर रखें तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, और वही चार्जेस क्या हो जाएगा, उसी सेपरेशन के साथ अगर मीडियम में रखें तो क्या हो जाएगा, फोर्स
कम हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है इस पर, अगर ये हायर है, अगर आप इसको देखें तो खुद आर हायर होगा तो फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसको डायलेक्टिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो बहुत सारे मीडियम में डायलेक्टिक कांस्टेंट हायर होता है। फॉर वैक्यूम, फॉर फ्री स्पेस, फ्री स्पेस एप्सिलॉन आर क्या होता है, वन होता है। डायलेक्टिक कांस्टेंट वन होता है, फ्री स्पेस के डायलेक्टिक कांस्टेंट वन होता है, ठीक है। और बाकी के लिए तो एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन कह दिए कि दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज व्हाट, इट इज ए रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऐसा है, ठीक है। फोर्स के टर्म्स में भी ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स के टर्म्स में कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मान लेते हैं किसी मीडियम, अगर फ्री स्पेस में फोर्स है एफ नॉट, लिख देते हैं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, फ्री स्पेस में उन्हीं चार्जेस के बीच फोर्स सेपरेशन वही है आर, एंड मीडियम, इन अ मीडियम, अगर मीडियम में फोर्स क्या है उन्हीं चार्जेस पर, मीडियम एफएम कर देते हैं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन, ये क्या है परमिटिविटी मीडियम की है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी मीडियम की है, ये क्या है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी फ्री स्पेस का है। तो क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक, ऐसा है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम डिफाइन करें हमको चाहिए क्या एप्सिलॉन, ठीक। तो अगर हम डिफाइन कर दें इनको एफ इस तरह से, एफ नॉट अपॉन एफ एम, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द फ्री स्पेस टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द मीडियम इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू, सब कैंसिल हो जाएगा, सब आर आर वही और क्यू वन क्यू टू सब वही है, फोर पाई वही है। ये देखिए डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में है, तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में यहाँ एफ नॉट है, यहाँ डिनोमिनेटर में एफ एम है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो ये है क्या, ये रिलेटिव परमिटिविटी भी है। तो रिलेटिव परमिटिविटी को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या रेशियो ऑफ फोर्स इन फ्री स्पेस टू फोर्स इन द मीडियम, ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कूलम्स लॉ हुआ, और कूलम्स लॉ फोर्स के लिए, कूलम्स लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए है, ठीक है। इनको अभी हमें आप ये तो अभी जो फार्मूला हमने लिखा है वो क्या है, स्केलर फार्मूला है, मतलब स्केलर फॉर्म है, अभी स्केलर रूप में लिखा है। अगर इसको हम साइन के साथ वेक्टर वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इवन लिखते भी हैं, तो हम आगे उसको ज़रूर अगले पार्ट में, अगले वीडियो में उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल इस पार्ट में जो बेसिक नेचर ऑफ चार्जेस है ना, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस और कूलम्स लॉ, इनमें अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो, किसी तरह का डाउट हो, तो आप हमें शेयर करिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए, वहां से कमेंट आएँ, ताकि हमें अपना काम और अच्छा करने का अवसर मिले। धन्यवाद।